नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में एक तरफ कई गांव सड़क से दूर हैं, तो कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पर न तो गांव है न सड़क की मांग, लेकिन मंडी परिषद के द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। बेरीनाग के चौकोरी क्षेत्र में मंडी परिषद के द्वारा दो सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि जहां पर सड़क बनाई जा रही है उसका किसी विकासकार को कोई लाभ नहीं मिल रहा। सिर्फ एक अधिकारी को लाभ पहुंचाने के लिए वन पंचायत की भूमि पर भारी भरकम मशीनें चलाकर सड़क काट दी गई। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा है कि जहां सड़क की आवश्यकता है वहां सड़क बनाई जाए, अन्यथा उन्होंने इस मामले में जांच की भी मांग की। जो मेरे संज्ञान में आया है कि वहां जनशून्य प्रदेश है और उसके लिए इतना बजट व्यय करना ठीक नहीं। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग सड़कों को मांग रहे हैं, सड़कों की उनकी डिमांड है। वहां मंडी परिषद को सड़क बनानी चाहिए, न कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए सड़क बनानी चाहिए। यह औचित्यहीन है, सरकार इसकी जांच करे और दोषी व्यक्ति को तुरंत ही सजा दे। मंडी परिषद के कार्यों से तो मैं संतोषजनक उनके काम नहीं है, इतने ढीले काम हैं। बहुत सारे काम उनके दो दो तीन तीन साल से अभी तक पेंटिंग भी है, और जो आज मेरे संज्ञान में आया कि लोगों को पता ही नहीं है, उनकी लाभ नाप लैंड कार्ड दिए और उनको पता ही नहीं है। बहुत गलत काम हुए हैं। जहां सड़क की ज़रूरत है, गाँव को जहां सड़क से लिंक करना है वहां उनकी सड़कें नहीं गई। एक घर के लिए स्पेशली ही कहीं बहुत जगह पे उन्होंने रोड काटी है, तो मैं इसमें कार्रवाई करूंगी। टिहरी जिले के चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमसेरा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट का काम कर रही कंपनी के मिक्सर प्लांट से उड़ने वाले धुएं से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर रात दिन प्लांट चलने से प्रदूषण भी हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना कि कंपनी के द्वारा हेवल नदी के बीच मिक्सर प्लांट लगाया गया है, जिससे प्रदूषण के साथ ही ग्रामीणों के जंगल भी धुएं से खराब हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अरण रंजन का कहना है कि समस्या को लेकर प्रशासन जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये क्रेशर लगाया हुआ है, एकदम नदी के ऊपर लगाया हुआ है और तीन चार खेत उन्होंने किराए पे लिए हुए हैं, और उसके बाद पूरी आधी से ज़्यादा नदी पे उन्होंने कब्जा करके उसमें मिट्टी डाल के मलबा भर के वहाँ पर जो है क्रेशर लगाया, और एक ही जगह पे तीन तीन प्लांट उनके लगे हुए हैं। हमने लगातार DM टिहरी को, CDO टिहरी को, माननीय मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया कि आप इसकी एक बार स्वतंत्र जाँच करवा दीजिए कि ये वास्तव में जो नॉर्म्स हैं, जो पर्यावरण और NGT की जो गाइडलाइंस है, उनको ये कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टिहरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र मंदार जिले के सबसे बड़े गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र है। केंद्र के फार्मासिस्ट की ड्यूटी COVID-19 में लगी है, जिसके चलते पूर्ण रूप से पिछले 3 महीने से केंद्र बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को 34 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। कई बार शिकायत करने पर भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी COVID-19 से नहीं हटाई गई, जिस कारण करीब 4,000 से अधिक ग्रामीण बिना स्वास्थ्य सुविधा के रहने को मजबूर हैं। कनखल स्थित निर्मल संतपुरा आश्रम में गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चंडीगढ़ से आए हजूरी राग हरजिंदर सिंह द्वारा संगीतमय तरीके से गुरु नानक देव और उनकी बहन नानकी के जीवन के बारे में बताया गया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व मनाए गए, और साथ ही साथ इस आश्रम के महापुरुष सचखंड वासी संत बाबा महेंद्र सिंह जी की मीठी याद भी मनाई गई। ये जो आज समागम हुआ, लगभग 1.25 साल बाद समागम हुआ, और सरबत के भले के लिए अरदास की गई कि गुरु साहब बख्शिश करें, पूरे संसार में इस बीमारी को दूर करें और सबको स्वस्थ और खुशी रखें। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल नरेंद्र नगर की डॉक्टर मीनाक्षी किथोरिया और उनकी टीम ने नरेंद्र नगर बाजार सहित बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया, साथ ही आयुष रक्षक किट भी वितरित की। डॉक्टर किथोरिया ने कॉलेज की छात्राओं, व्यापारियों और नागरिकों को गर्म जल का उपयोग करने, 40 से 45 मिनट योगाभ्यास करने के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय भी बताएं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी किथोरिया आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में आज उपस्थित हुई थी, और जो बच्चों को मैंने आज रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में बताया, जो कि आयुर्वेदिक उपचार आप अपना के किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं उसके विषय में बताया। यहाँ पर बच्चे जो काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने इस विषय में काफ़ी जानकारी हमसे प्राप्त की है, और हम लोग यहाँ आकर आज
उनको इसके विषय में बता के, और जो अपना काढ़े के विषय में भी हमारे चिकित्सालय से एक मिल रहा है जो कि निःशुल्क उनको मिल रहा है, जिससे वो उसका सेवन करके रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं और इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। आज हमारे विद्यालय में डॉक्टर मीनाक्षी मैम आई, जिन्होंने बच्चों को COVID-19 के क्या मुख्य लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम सामाजिक दूरी और मास्क लगाकर इस बीमारी से अभी बचाव कर सकते हैं क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई है, और किस प्रकार से हमारी आयुर्वेद ने इस बीमारी के में क्या क्या इलाज कर सकते हैं, जैसे चमप्रास खा सकते हैं, गोल्डन मिल्क पी सकते हैं, और बच्चों को ये बताया है कि किस तरह से हम मसालों का प्रयोग कर अपने इस कोविड से बचा जा सकता है। विद्यालय राजिका बालिका इंटर कॉलेज में आज डॉक्टर मीनाक्षी मैम आई हैं, उन्होंने हमें COVID-19 के संदर्भ में बताया और वह अपने आयुर्वेदिक केंद्र से आई हैं। उन्होंने हमें COVID-19 के बारे में कई तरह की मुख्य सूचनाएं दी हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।